अब मैं खा रही हूँ फ्रेंड्स, अरसे मेरे फेवरेट हैं और बहुत अच्छा लगता है। पैर में लगी रे, कंडू रो रही है, दिखाओ ये लग गई। इतने छोटे से तो क्यूट से पैर हैं इसके, इतनी क्यूट सी ये है, हंस के दिखा दे, हंस के। चलो मैं जा रही फिर, और ये मैंने ले लिया छाँझ, अब लेके जा रही हूँ मैं इसको घर। ये मेरे देवर जी तोड़े हैं हरी सब्जी, देखो ये आलू के छाँझ मांगने, ये दे रही हूँ इनको मैं अपना डब्बा, ये देखो। तो मैं कर लेती हूँ ब्रश, बाहर कर दूँ कुछ इस तरह दिखाती हूँ आपको। ये मॉर्निंग व्यू है, रोटी मेरी बन चुकी है, चाय रखी है मैंने बनाने के लिए, उसके बाद सब्जी बनानी है, तो खाना खाना तो बाद में होगा, चाय शाय बना के देखती हूँ बाहर करती हूँ काम। बाहर काम के मैंने कपड़े धोना है, बिछेरी होती हूँ। मैं आ गई हूँ गोबर फेंकने, गायें बाहर बांध दी हैं, ये था इनके गाय मारेगी, ये देख लो गाय तो बंधी गई थी, गोबर फेंकना बाकी, फेंकती हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है निधि नेगी, स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में। आशा करती हूँ आप लोग सब एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने गोट से, मैं गोबर फेंकने आई हूँ और टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, तो फटाफट मैं गोबर फेंकती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। चलिए हमारे वहाँ धूप भी अच्छी लगी हुई है, ये आप लोगों को दिख रहा है हरी भरे खेत। गोबर फेंक के मैं आ चुकी हूँ, थोड़ा रूम की सफाई करती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह करूँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। खाना वगैरह मेरा हो चुका है, ये देखो धोदे इधर पापा इनके कपड़े भी, इधर मन्नू उनके भी, हमारे डेली के ही इतने कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। मन्नू भी इधर रास्ता लगा हुआ है, इसकी हालत देखो भूत। गायों को पानी पिलाने का टाइम, पानी तो थोड़ी देर धूप में रख देते हैं, जिससे ना एकदम ठंडा पानी आता है, यहाँ डायरेक्ट पानी आता है नदियों का, तो ठंडा आता है इसलिए धूप में रखते हैं थोड़ी देर, गायों के पीने के लिए ठीक हो जाता है। रख दिया मैंने, थोड़ी देर धूप में रखती हूँ और दूसरा पानी लेके आती हूँ। वो दिख रही आग कितनी अच्छी लग रखी है, पर यहाँ मौसम बदलता रहता पता नहीं चलता है। पैर में लगी रे, कंडू रो रही है, दिखाओ ये लग गई। इतने छोटे से तो क्यूट से पैर हैं इसके, इतनी क्यूट सी ये है, हंस के दिखा दे, हंस के दिखाई, हंसो। ये कह रही है कोई मेरे लिए नई चप्पल ला दो, और मेरी चप्पल टूटी वाल टूटी, ओ अब नई चप्पल लाएंगे। अब मैं खा रही हूँ फ्रेंड्स अरसे, मेरे फेवरेट हैं और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पहाड़ में। एक चीज तो है, हर शादियों में ये बनते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ नहीं बनते हैं ये, और तो अब तो बाजारों में मिलने लग गए, पहले नहीं मिलते थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हो चुके हैं, तब मैं अपनी कल्लों को पानी पिलाने आ गई हूँ। पहले हम सर्दियों में 11 बजे पानी पिलाते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में कम प्यास लगती है, आजकल गायों को जल्दी पानी पिलाने लग गए, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ गया है, तो इसलिए हम इनको थोड़ा जल्दी पिलाने लग गए हैं। 10:30 बजे ये जा रहे हैं खच्चर रेता लेने। गाय को पानी पिला के डाल दिया मैंने इसको, ये रिंगाली घास, और यहाँ बची भी पी रही है पानी, उसके बाद खा लेगी घास। एक कन्नू भी मेरे पीछे लगी हुई है। ये मेरे देवर जी तोड़े हैं हरी सब्जी, देखो ये आलू के पत्ते हैं, हमारे यहाँ अगर राई के पत्ते नहीं होते तो आलू के पत्ते की सब्जी खा लेते, पर हरी सब्जी कुछ तो चाहिए, तो ये खा रहे हैं, खा रहे नहीं है मतलब तोड़ रहे हैं राई के पत्ते।
लग गया सूर्य ग्रहण, मौसम हो गया है लाल, बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा था, अभी थोड़ा ठीक हो गया। आया जाता है खाना, मेहमान पहले आते हैं, उनके हाथ का खाना टेस्ट करते हैं हम लोग। तो रवीना मेहमान है यहाँ, इनको अभी बुलाया है खाना बनाने के लिए स्पेशल। तो ये बना रही है खाना, आज क्या बना रही है, दाल। दाल उबाल दी थी, अब ये छोंक रही है। जिन लोगों की भैंस होती है वो लोग छाछ निकालते हैं, और तो उन्होंने लेने के लिए बुलाया, मैं ये डब्बा लेके जा रही हूँ छाछ लेने के लिए। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ। लग गया है सूर्य ग्रहण, पूरा लाल लाल दिखाई दे रहा है, मतलब आपको तो नहीं दिखाई दे रहा हो लेकिन वैसे लाल दिखाई दे रहा है पूरा हमको। छाछ मांगने ये दे रही हूँ इनको मैं अपना डब्बा, ये देखो यहाँ मांगने आ रखे हम छाछ। आ कन्नू, ये बना रहे हैं सब्जी, क्योंकि इनकी बहू जा चुकी है मायके, तो इनका नंबर आ गया खाना बनाने का। पार में कैसे चूल्हे में खाना बनाते हैं, पर गर्मी बहुत हो रही है। ये बना रखा चने का फाड़ू बना रहे हैं आज। ये है देखो यहाँ मट्ठा रखा हुआ है, इनके घर में छाछ है तो हम भी यहीं आए हैं मांगने। और ये कन्नू, कन्नू भी कुछ बोल रही है, क्या बोल रही कन्नू, फोन, ये कह रही मेरे को फोन दे, बोल मैं वीडियो बनाऊंगी, डांस दिखा दे फिर तब दूंगी फोन। आइए देखो कितना प्यारा डॉगी आ गया, आ हाथ दे रहा, देखो हाथ दे रहा, हेलो 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 कर रहा, नहीं करना, हेलो हेलो। कन्नू गिर गई, मेरी कन्नू चल रही आगे, चलो आगे चलो जल्दी चलो, मैं जा रही फिर। और ये मैंने ले ली है छाछ, अब लेके जा रही हूँ मैं इसको घर। बहुत मिल जाती है छाछ, पर गर्मियों में कमी देते हैं लोग, क्योंकि गर्मियों में बहुत वो मतलब खाते भी हैं, सर्दियों में कम खाते हैं ना। कपड़े उठा लेती हूँ जो सूख गए हैं, इनको उठा लेती हूँ। अब ये हूँ माल्टा, ये छिल रही हूँ, माल्टा खाने का मन कर रहा था, मैंने कहा छिल के खाती हूँ। पाइपलाइन का काम, यहाँ भी सारा पाइप लीक कर लिया इन्होंने, और तो सारा पानी बर्बाद कर रहे। देखो पानी बोलते हैं वो करो, क्या करो बोलते हैं, जल है तो कल है वरना परसों है। ये देखो इन्होंने सारा गधेरा जैसा बना दिया पूरा पानी पी के। क्या बोलूं, सब बोलते हैं पानी खो तो, पानी खो तो, पानी बचाओ। ये देवर जी के हो रहा पाइपलाइन का काम, ये देखो यहाँ जरा डैड, और ये पता नहीं क्या बाबा जैसे बन रखे हैं, प्लम्बर साहब। बाल्टी से पानी निसाना पड़ेगा इनके बाथरूमों में, पाइपलाइन जा रही है सारी। किचन में भी लगा दिया हमने, OMG किचन में भी, पर किचन में वो तो है नहीं इनका वॉश बेसिन, इनको पता डिश वॉश है नहीं, और तो ये पानी पानी किचन में ही करेंगे। चलो देखते हैं, मॉडर्न किचन बना रहे हैं ये। ये आज मिस रवीना, ये शादी में डांस डूंस करके खूब थक गई है, बोला हाथों में मेहंदी लगा रखी है। अब इसकी भी जल्दी शादी होने वाली है, हम भी जाएंगे तब आपको दिखाऊंगी इसकी शादी की वीडियो। ये देखो मेरा मन्नू झाड़ू मार ना, दीदी दीदी रंदर कमर के पीड़ा, ए बोई म्यारा कमर पीड़ा, कैसे होने आवाज उजो, इसको देखो जाड़ी को कहाँ पहुंचे, हे भगवान। गाय बांधी है अंदर, साफ भी कर दिया है, भैंस रह रखी है उसको थोड़ी देर में बांधे, क्योंकि भैंसों को गर्मी होती है इसलिए लेट बांधते हैं। गाय बांधी है मैंने अंदर, अब चलते घर की तरफ, आग उग जलाते हैं। ये हमारा टुबरू टुबरू कबूतर, ये देखो इसको घर छोड़ के आती हूँ इसके। ये दोनों ऐसा परेशान करते हैं, ये बंदरिया हमारी नमकीन खा रही, सारी फैला दी, सारी फैला दी, एक इसमें फैला दी। इनको कुछ नहीं देना है, सर्कस कर रही है ये देखो, ये हमारी बांदर है,
खड़े होके कर यार बाबू नाची, खड़े होके कर मेरे राजा। ना ना भाई, एक वो लपोड़ रहा है वहां, ये भी लपेड़ रहा है वहां, ये इसका भी अलग ही सर्कस हो रहा है। एक इसका हो रहा है, लेके कैसे बैठी है बिल्कुल, इसका फोन ही पे ध्यान है, पढ़ाई बिल्कुल ध्यान नहीं है। स्कूल जाने के लिए बोलो मना करती है, फोन लेके देखो ये आ चुकी हूँ। रोटी वगैरह बन गई हमारी, मैं कर रही हूँ मन मुख दूध गरम, उसके बाद रोटी वगैरह लेके अंदर जाती हूँ, अंदर ही खाती हूँ रोटी, रूम में लेके जाती हूँ क्योंकि मन्नू बाहर खाने नहीं देता है। तो जो हमारा कच्चा वाला किचन है वो छोटा है, इस वजह से मैं रूम में ले जाती हूँ। चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो मेरा डिनर हो चुका है, मैं देख रही हूँ टीवी, मन्नू भी सो गया है। तो फ्रेंड्स मैं अपना आज का ब्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा तो ढेर सारा प्यार दीजिए मेरी वीडियो को, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।